मैम क्वेश्चन आंसर स्कूल में करवा देना। तो क्या क्या मैम आज आप रिवीजन करवा दो चैप्टर 6 का। सिक्स का? चलो ऐसा कर लो, उसका मैं एग्री हो चैप्टर गया। 7 यस मैम, सब एग्री हो? यस मैम, यस मैम, मैम आप यस उससे मैम, क्वेश्चन यस मैम। सिक्स या मैम 7। 7? चलो ठीक है, पीडीएफ भेज दूंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी क्लास के बाद बना के और फिर ग्रुप पे डाल दूंगी, उसमें भी देख लेना। आज मैं नहीं दिखवा रहे, बोले अब ये कह रहे हैं कि चैप्टर रिवाइज करवाओ, या तो फेस टू फेस करवा देते चैप्टर रिवाइज क्लास में, एक बार तो करवाना ही था। यस मैम, मैम ऐसे क्वेश्चन आंसर करवा दो। हाँ तो क्लास में ये लिखे हुए होंगे ना, तो एक बार फिर बाद में करवाना ये सही रहेगा। ठीक है, यस मैम। हाँ तो एक बार क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। हाँ करवाते हैं। पेज नंबर 107 को देखो, गिव रीजंस व्हाई टू एनिमल्स इन पोलर रीजन है। एनिमल्स के अंदर जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं उनमें मोटी लेयर होती है फैट की, क्यों? रीजन बताना है। तो रीजन ये है कि जो जो फैट की मोटी लेयर है वो उनको कोल्ड से बचाती है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। मैम मैम क्वेश्चन आंसर करवा रहे हो? हाँ बेटा, ये पेज नंबर 107 पे गिव रीजंस है। ठीक है, तो ये लिखे कर रहे हैं, आप ये भी तो आपको बताओ। सेकंड, पैरेंट्स सिंगिंग ग्रुप्स वाइज, पेरेंट्स ग्रुप में क्यों रहती है, समूह में क्यों रहती है, झुंड में क्यों रहती है? तो टू सेव आर एंड फाइट अगेंस्ट देयर एनिमीज। गर्म रहने के लिए, अपने एनिमीज के लड़ने के लिए झुंड में रहती है। एक्सक्यूज मी मैम, आगे बोलो मैम, ये फ्रेंड बुक में लिख ले, बुक में लिख लो, ऐसे तुम कॉपी में भेजोगे पीडीएफ। ठीक है ना मैम, जो आप कोड को लिखवा रहे हो मैम ये लिख लें नोटबुक में। शेयर कर ले हैं क्या कर मैं पेयर नोटबुक में कर रहे हैं। हाँ पीडीएफ भेजोगे ना मैम? मैं क्वेश्चन नंबर 1 ना टू से मैम, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या क्वेश्चन नंबर 1 है? क्या कह रही हो? मैम ये क्वेश्चन नंबर मैम ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये ऊपर वाला माइंड में एनिमल्स इन पोलर रीजन है, ये पोलर रीजन है, एनिमल्स
जो पाए जाते हैं उनमें उनकी क्लेम होती है, इसलिए एजल बचाना है तो प्रोटेक्ट द इंफोल्ड, उनको सर्दी से बचाने के लिए। पेंगुइन्स इन ग्रुप्स वाइज, पेंगुइन्स झुंड में समूह में क्यों रहते हैं? टू से एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये गिव रीजंस है ना? यही रीजन है पेज नंबर 107 पे, टू सेव ऑल एंड फाइट अगेंस्ट देयर एनिमीज, गरम रहने के लिए और अपने एनिमीज से लड़ने के लिए वो झुंड में रहते हैं। नेक्स्ट के बाद क्या था मैम? ये क्वेश्चन हमने नहीं किया था पूरा, लिखो टू प्रोटेक्ट, आंसर लिखो टू प्रोटेक्ट, हम शुरू से बताएं ठीक के बाद क्या कह रहे हो? ठीक लिए हो मैम, इसको शुरू से बताना स्टार्टिंग से, फर्स्ट वाले का क्वेश्चन से। यस मैम, क्वेश्चन से, व्हाई डू एनिमल्स इन पोलर रीजन? मैम आगे मैम, मैम फर्स्ट वाला दोबारा लिख दो एक बार। मैं आपने फर्स्ट लिखना था, आपने सेकंड भी रेज कर दिया, दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ दोनों। उनको सर्दी से बचाने के लिए। पेंगुइन्स से ग्रुप्स वाइज, पेंगुइन्स समूह में झुंड में क्यों रहती है? तो आंसर अब रख कर दूं? नो मैम। हेलो
मैम कर दो, हो गया। मैं प्ले साइड एक्सक्यूज मी मैम, मैम हैव के बाद क्या है? मैम व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ मैनिपुलेट? मैनिपुलेट किसी चीज का मैनिपुलेशन मतलब किसी चीज को अलग से उसमें कुछ ऐड करना, मैनिपुलेटिंग, ठीक है? जैसे पेड़ वगैरह को पकड़ना किस तरह से, दूध से लटका के हाथों से इस तरह से, या किसी और चीज से किसी दूसरे पे मैनिपुलेट करना। नेक्स्ट उनकी जो चोंच होती है वो लंबी होगी, ठीक है? डिवाइन का रखकर कर दो मैं, फोर्थ तक कर दो सारा मैम। सेकंड करा दो, हमने नहीं किया मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम वो जो ग्रेस है वो जी आर ई है, जी आर ए है? ओके ये थॉमस के नाम से आई है इसके भैया, ये लिव कर गया क्लास, ये थॉमस के नाम से आई है।
पता नहीं मैम। क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मैम गिव रीजंस फोर ही थे मैम। हाँ बेटा वो एक पेज नंबर पे है जहाँ लेसन खत्म हो रहा है, फोर ही थे वो। मैम फोर ही थे। फोर्थ का आंसर बता दो। टू ग्रेस जी आर ए एस सी फ्रूट्स इंसेक्ट्स एग्स एंड स्मॉल बर्ड्स। ग्रेस जी आर ए एस सी फ्रूट्स इंसेक्ट्स एग्स एंड स्मॉल बर्ड्स। मैम प्लीज साइड। मैम अडॉप्टेशन। मैम डिफाइन द फॉलोइंग टर्म किस पेज नंबर पे है बेटा? क्या कह रहे हो दूसरी आवाज कटी आपकी? हम डिफाइन द फॉलोइंग टर्म से पैटर्न रूट में करते हैं। काम करोगे तो बुक में लिख लोगे। बुक में लिखने की जगह नहीं है, इसमें से खाली नहीं है। ये मैंने एडिटेशन वाली कर दी, बाकी क्लाइंट वाली बात तो तुम उस हिसाब से लिख लेना। एडिटेशन द चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड मैम Excuse बोलो बेटा। मैम तीन जो गिव रीजंस है ना वो एक्सरसाइज में भी दे रहे हैं, वो नहीं कराओ? गिव रीजंस नीचे है बेटा, मैं करवाऊंगी ना, पहले डिफाइन द टर्म्स को करवा दूं, फिर शॉर्ट आंसर, फिर गिव रीजंस, फिर लॉन्ग आंसर, सारे करवाऊंगी। मैम जो ये डिफाइन द होल इन टर्म्स है कौन से पेज नंबर पे है? ये पेज नंबर 114 है। 114 हाँ, या तो इसको आप बुक में टिक लगा लो डिफाइंडर टर्म्स को या लिख लोगे। और मैम जो अभी आपने वो गिव रीजंस करवाए थे मैम, वो पेज नंबर 107 पे थे? हाँ। ओके मैम। Adaptation, the change in structure and behavior of जो किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में
आवास में हैबिटेट में रहने में उनको हेल्प है, ठीक है, वो कहलाता है अडॉप्टेशन। सेकंड क्लाइमेट, मंथली साइड मैम साइड क्यों, क्या हुआ, क्या कह रहे हो, बोलो मैम साइड कह रही थी, मैम साइड होने के लिए कह रही थी। Pattern of weather conditions for a longer period of time, लंबे टाइम तक वेदर कंडीशन का जो पैटर्न है वो क्लाइमेट कहलाता है, जैसे कोल्ड हॉट, ठीक है। माइग्रेशन अडेप्टेशन और कर दो अडेप्टेशन, हेलो बोलो बेटा, अडॉप्टेशन को इरेज कर दो, कर दो हिमांशी। यस मैम, कर दो। यस मैम, यस मैम। मैम प्लीज साइड, माइग्रेशन द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आइदर इन ग्रुप्स और अलोन इन सर्च ऑफ फेवरेबल कंडीशन एंड कैन मैं अगेन देयर हैबिट्स, क्या कहता है कि एनिमल्स का ग्रुप में आके फेवरेबल कंडीशंस को खोजने के लिए जाना, या तो पूरे झुंड में ही आपके लगे बर्ड चला जाता है और वापस कुछ टाइम के बाद वापस अपने नेटिंग में आ जाते हैं, अपना जो मूल जगह है उसके आ जाते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है माइग्रेशन। मैम टू द ईयर के बाद क्या है, मैम टू द ईयर के बाद क्या है, टू द ईयर नेटिव्स, नेटिव एन ए टी आई वी एस,
मैम प्लीज साइड weather forecast. It is the prediction of weather conditions of a place to place over a span of time. किसी भी जगह की वेदर कंडीशन को कम समय के लिए पूर्व घोषणा करना पूर्व आत्मा लगाना क्या कहलाता है वेदर फोरकास्ट कहलाता है ठीक है अब करना है तो मेरे को बता देना मैम एक बार वेदर फोरकास्ट दोबारा से समझाना किसी जगह का थोड़े टाइम के लिए उसका मौसम का वो कहलाता है जैसे अभी भी आ रहा था इतने दिन से 11 से 13 जुलाई के बीच में बारिश होती है हमारी जमीन जो वेदर डिपार्टमेंट या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो पूर्व में क्या करता रहता है मौसम के बारे में जानकारी देता रहता है टीवी वगैरह में आपने देखा होगा वेदर रिपोर्ट में जो मछुआरे होते हैं उनको समुद्र में नहीं जाने देते साइक्लोन आ रहा है में जो उनका अनुमान लगाना क्या कहलाता है वेदर फोरकास्ट कहलाता है अंशिका काम पूरा है आपका अंशिका यस मैम काम पूरा है पिछले अभी तक अभी कंटिन्यू क्लास नहीं हो गया मैम आपके पास पीडीएफ तो भेजा था नेक्स्ट मैम मिटा दो एक्सक्यूज मी मैम मैम पहले गिव रीजंस करवा दो बेटा मैं गिव रीजन जस्ट सीक्वेंस से बुक में गए थे उसी हिसाब से जितने पीडीएफ भेज अच्छा गिव रीजंस बाद में है ना पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैम कल फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करवा देना आज गिव रीजंस करवा दो चलो मैं ये कर लूं फिर टाइम है तो मैम अब अपने स्टार्ट करते हैं मैम मैम यही करवा दो लिख लिया अब मैम यही करवा दो मैम यही करवा दो हमने लिख भी लिया हमने भी लिख लिया मैम यही करा दो हमने सबने लिख लिया
क्या चीज है जो मैग्नीफिसेंट फोटो को वाटरप्रूफ बनाती है? शॉर्ट है ठीक है छोटे और गहरे दे दो यही दे दो मेरे वाला शॉर्ट है ठीक है मैम इसका आंसर बस इतना ही है। हाँ ठीक है कितना है बोलते याद करने मिल जी रहे हैं तो फिर वो आप हमारे हो गए तो वो मैं लेकिन कल मेरे का दोस्तों मैंने इस बार तो क्वेश्चन कैसे उठा सकते हो तो मैंने तो टेल की डेफिनेशन बतानी थी एनसीएल टेल की ठीक है वो फिर किस एनिमल्स में ही पाई जाती है सिंपली साइड लास्ट में देख लीजिए चला गया यस मैम नीचे कर दो कहाँ से लिखूं ऑब्जेक्ट के बाद से लिखूं या पूरा लिख दूं मैम ऑब्जेक्ट के बाद लिख दो पूरा लिख दूं मैम प्लीज मैम आज पूरे पीडीएफ भेजते के लिए हमको स्टेटस देखते चांसेस का मैम प्लीज साइड मम्मी रेस मत करो नहीं रेस मत करना
मैं ऊपर से मत करना। ठीक है, हो गया? यस मैम। टाइम हो गया मैम, मोर मत करवाना हम, ये इरेज मत करना।